गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट हरियाली बुक में। क्या पढ़ेंगे? इतने दिन हमने क्या पढ़े थे? इतने दिन हमने व्याकरण में चैप्टर पढ़े थे। किसमें पढ़े थे? व्याकरण में चैप्टर पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम अपनी बुक हरियाली में चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है मन के भोले भाले बादल। जिसका क्या नेम है? मन के भोले बादल भाले बादल। क्या है ये? एक कविता है। क्या कविता है? मन के भोले भाले बादल। मन के भोले भाले बादल। इसमें कवि ने किसके बारे में बता रखा है? इसमें कवि ने बादल के बारे में बता रखा है। किसके बारे में बता रखा है? बादल के बारे में बता रखा है। ओके, जब हम इस कविता को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि कवि ने इस कविता में बादल के बारे में क्या बताया है। किसके बारे में बताया है? बादल के बारे में बताया है। ओके, तो हम देखते हैं कि कवि ने इस कविता में बादल के बारे में क्या बताया है। ओके, क्या है? झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। झूम झूम कर काले बादल। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम के काले बादल। ओके, तो कवि ने इस कविता में क्या बताया? कवि ने बताया है, कवि को लगता है, कवि को क्या लगता है कि बादल बच्चों की तरह है। बादल किसकी तरह है? बादल बच्चों की तरह है। उसके बाल क्या है? झब्बर झब्बर है। क्या है? झब्बर झब्बर है। और कवि को लगता है उसके गाल भी फूले हुए हैं गुब्बारे के जैसे। गुब्बारे से गालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले। कवि को लगता है बादल बच्चे की तरह है, उसके बाल झब्बर झब्बर है और कवि को लगता है उसके गाल भी क्या है? फूले हुए हैं। फूले हुए हैं गुब्बारे की तरह, जैसे गुब्बारा फूला हुआ होता है वैसे ही क्या है? वैसे ही क्या है? बादल के गाल फूले हुए हैं। बादल के गाल गुब्बारे के जैसे फूले हुए हैं। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कवि को लगता है कि ये बादल, कवि को लगता है कि ये बादल बच्चों की तरह, बच्चों की तरह आसमान में इधर उधर दौड़ते रहते हैं। क्या कहते रहते हैं? दौड़ते रहते हैं ये झूम झूम कर, कभी इधर और कभी इधर आसमान में क्या करते रहते हैं? दौड़ते रहते हैं। तभी कवि ने कहा है लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। झूम झूम कर काले बादल। तो कवि ने इस पंक्ति में क्या बताया है? झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम के काले बादल। कवि ने कहा है कि इनके बाल क्या है? इनके बाल झब्बर झब्बर है, बच्चों की तरह क्या है? झब्बर झब्बर है। और उसके गाल भी क्या है? गुब्बारे की तरह है। मतलब उसके गाल क्या है? फूले हुए हैं। क्या है? फूले हुए हैं। और ये आसमान में क्या करते हैं? झूम झूम कर इधर उधर घूमते रहते हैं। बादल क्या करते रहते हैं? आसमान में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो यही कवि ने इस पंक्तियों में बताया है। ओके, नेक्स्ट पंक्ति में क्या कहा है कवि ने? कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुब्बड़ वाले, कुछ ऊंटों से कुब्बड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। कवि क्या कह रहा है? कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुब्बड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। तो कवि क्या बोल रहा है? कवि इस कविता में बोल रहा है कुछ जोकर से तोंद फुलाए। तोंद का मतलब मोटा सा पेट। क्या होता है?
मोटा सा पेट। कवि बोल रहा है बादल भी क्या लेकर आया है, तोंद लेके आया है। क्या लेके आया है? तोंद। तोंद का मतलब मोटा सा पेट लेके आया है, जो किसकी तरह दिखता है, जो जोकर की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है? जोकर की तरह दिखता है। कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ही हाथी से सूंड उठाए। और कवि क्या कह रहा है, कुछ बादल कैसे हैं, जैसे हाथी से सूंड उठाए। जब हाथी सूंड उठाता तो तब फवारे से पानी की तरह लगता है, जैसे फवारे में क्या चल रहा है, पानी चल रहा है। जब हाथी सूंड उठाता है तो कैसे लगता है, जैसे फवारे में पानी चल रहा है। क्या चल रहा है? पानी चल रहा है। ओके, तो कवि क्या बोल रहा है, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऐसे लग रहा है जैसे हाथी ने क्या कर रखी है, सूंड को उठा रखी है। जब हाथी सूंड उठाता है तो क्या होता है, ऐसे लगता है जैसे फवारे में क्या हो रहा है, पानी चल रहा है। क्या चल रहा है? पानी चल रहा है। कुछ ऊंटों से कुब्बड़ वाले, कुछ बादल क्या होते हैं, ऊंटों से कुब्बड़ वाले होते हैं। कुब्बड़ क्या होती है, ऊंट की ऊपर उठी हुई होती है ना। तो कवि बोल रहा है कुछ ऊंटों से कुब्बड़ वाले, जैसे वो ऊपर उठाए हुए, और उस कुब्बड़ में क्या होता है, पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। कुछ परियों से पंख लगाए, कुछ परियों से पंख लगाए, कुछ ही परियों से पंख लगाए। कभी बोल रहे हैं हमारे बादल कभी कभी कैसे लगते हैं, परी जैसे लगते हैं। कैसे लगते हैं? परी जैसे लगते हैं। परी जैसे मस्त वाले, मस्ती में झूमने वाले। जैसे परी क्या होती है, मस्ती में झूमती है। क्या करती है? मस्ती में झूमती है। तो हमारे बादल कभी कभी कैसे लगते हैं, हमारे बादल कभी कभी परियों की तरह लगते हैं, परियों की तरह पंख फैलाए हुए। जैसे वो क्या कर रहे हैं, मस्ती में झूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मस्ती में झूम रहे हैं। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल, आपस में टकराते रह है शेरों से मतवाले बादल। और वो बादल आपस में क्या होते रहते हैं, आपस में टकराते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? आपस में टकराते रहते हैं। और उसमें शेरों से मतवाले बादल, जैसे शेर बोलता है वैसे वो आपस में जब टकराते हैं तो उसमें क्या आती है, बिजली चमकने की आवाज़ आती है, बिजली कड़कने की क्या आती है, आवाज़ आती है। तब कवि ने क्या कहा, आपस में टकराते रह गए शेरों से मतवाले बादल। जब बादल आपस में टकराते हैं क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं, तो उसमें किसकी आवाज़ आती है, ऐसे आती है जैसे शेर की आवाज़ आती है उसमें शेरों से मतवाले बादल। तब उसको बताया है शेरों से मतवाले बादल। कवि ने कहा है जब बादल आपस में टकराते हैं तो उसको कड़कड़ाने की क्या आती है, आवाज़ आती है। क्या आती है? आवाज़ आती है। ओके, तो हमने क्या पढ़ा आज, हमने फर्स्ट कविता पढ़ी है जिसका नेम है मन के भोले भाले बादल, जिसमें कवि ने किसके बारे में बता रखा है, कवि ने बादल के बारे में बता रखा है। किसके बारे में? बादल के बारे में बता रखा है। कवि ने कहा है कि इस कविता में बादलों का वर्णन किया है। कवि ने इस कविता में किसका वर्णन किया है, बादलों का वर्णन किया है। झब्बर झब्बर बालों वाले बादल कैसे होते हैं, झब्बर झब्बर बालों वाले होते हैं। गुब्बारे से गालों वाले, उसके गाल कैसे होते हैं, उसके गाल गुब्बारे जैसे होते हैं। लगते दौड़ने आसमान में, आसमान में क्या करने लगते हैं, वो दौड़ने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? इधर उधर दौड़ने लगते हैं। झूम झूम कर काले बादल, वो कैसे दौड़ते हैं, झूम झूम कर दौड़ते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, इसको आज इसको इन पंक्तियों को आपको अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है, इन तीन पंक्तियों को अच्छे से पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट पंक्ति हम कल पढ़ेंगे, आज आपको ये तीन पंक्ति अच्छे से पढ़नी है। क्या करनी है, इन तीनों पंक्तियों को अच्छे से पढ़ना है और इनको ये समझना है कि कवि ने कविता में किसके बारे में बताया है। कवि ने
इस कविता में इसके बारे में बताया है, ओके, और बादलों के बारे में अच्छे से आपको पढ़ना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट पंक्ति हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।